नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी वारदात होने से पहले ही सुपारी किलर को दबोच कर अपनी मुस्तैदी का परिचय दिया है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में 10 लाख रुपये की सुपारी लेकर दो आरोपियों को हथियारों से लैस होकर एक व्यक्ति की हत्या की संगीन वारदात को अंजाम देने की कोशिश में जुटे थे। पुलिस को इसकी जैसे ही भनक लगी, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी झाड़ोली निवासी अमृतलाल मीणा तथा जीवत नदी निवासी कमल सिंह मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी अमृतलाल मीणा पर लगभग एक दर्जन चोरी, लूटपाट आदि के संगीन मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लोडेड पिस्टल तथा देसी कट्टा जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जटावती निवासी भेरूलाल मीणा ने आरोपियों को 10 लाख रुपए की सुपारी की एवज में हथडोली निवासी मानसी गुर्जर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। भेरूलाल मीणा ने 5-5 लाख रुपए के दो चेक आरोपियों को दिए थे। आपसी दुश्मनी होने के चलते दोनों आरोपियों के द्वारा गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम देना तय हुआ था, लेकिन तभी पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। साथ ही एक बड़ी वारदात होने से भी पुलिस ने बचा लिया। पुलिस अब अपनी अग्रिम कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी हुई है। संवाददाता बजरंग सिंह की रिपोर्ट। गंगापुर पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। इस पे एसपी साहब के निर्देशन में और सीओ साहब ने एक टीम गठित की, उस पर जो संदिग्ध स्थान था वहाँ पर भेजा गया। सब इंस्पेक्टर थे हमारे शिवचंद जी शर्मा, उनके नेतृत्व में एक टीम भिजवाई गई। उसमें वहाँ जो चूली गेट है उसके पास में दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिले। उनसे अपना नाम पता पूछ, वो उनको पुलिस को देखकर वो भागने भी लगे, तो उनसे रोककर उनसे पूछताछ की गई। तो एक व्यक्ति का नाम था अमृतलाल मीणा और दूसरे व्यक्ति का नाम था कमल सिंह मीणा। अमृतलाल मीणा के कब्जे से एक पिस्टल मिली है और उसमें जिंदा कारतूस लोडेड था। और जो कमल सिंह मीणा है उसके पास से एक भी दो जिंदा कारतूस और एक वो हथियार मिला, देसी कट्टा मिला है। दोनों के पास ही दोनों का इतिहास जाना गया तो इनका पूर्व में भी बहुत सारे मुकदमे, अमृतलाल मीणा के लगभग 9 मुकदमे हैं जिनमें चोरी, अपहरण, लूट, इस प्रकार के मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। कमल सिंह मीणा का जो है अभी आपराधिक रिकॉर्ड हमें मिला नहीं है। इन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी की गई है। जो जानकारी मिली है वो घटनाक्रम इसलिए इनकी इसलिए घूम रहे थे कि इनका इनको एक सुपारी दी गई थी कोई मानसिंह गुर्जर, उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए। इस पे अब अनुसंधान जारी है और अनुसंधान आगे किया जाएगा। सर, ये दोनों कहाँ के रहने वाले, निवासी मूल के कहाँ के? ये अमृतलाल मीणा तो बामनवास इलाके के हैं और ये जो कमल सिंह मीणा है वो बाटोदा इलाके के। सर, गिरफ्तार कहाँ से किए गए? ये वाटर बॉडी बॉक्स है यहाँ पे चूली गेट के पास में, यहाँ से गिरफ्तार किए दोनों व्यक्ति। सर, हथियारों को लेकर के लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और पहले भी कुछ संदिग्ध पकड़ना आए हैं, क्या इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और कहीं इनका नशे के कारोबार से भी कोई कनेक्शन है? निश्चित रूप से कार्रवाई जो है आगे भी जारी रहेगी। अब नशे के कारोबार से इनका कुछ संदिग्ध संलिप्तता है या नहीं है, संदर्भ में अनुसंधान किया जाएगा। ये मानसिंह की गुर्जर की हत्या क्यों करना चाहते थे? ये कुछ चुनाव, पंचायती चुनाव को लेकर आपस में गांव में कोई इनके आपस में रंजिश थी, इस कारण से ये कुछ व्यक्ति जो इसके अपोजिशन थे उस हत्या करवाना चाह रहे थे।